हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज के इस क्लास में द्विघात बहुपद का ऑब्जेक्टिव का बारी है, तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। जिस भी बच्चे का अभी तक तैयारी नहीं हुआ है तो आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल आज एकदम शुरू से आपका पढ़ाई होगा और 100% बाबू आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग बेसिक क्लास किए हैं बहुपद का, और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर आपका बेसिक क्लास छूट गया है तब भी, अगर आप लोग आज पहली बार कर रहे हैं क्लास, तो एकदम आपको 100% समझ में आएगा। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग बहुपद पढ़ने वाले हैं। और ये बाबू हम लोगों का क्रैश कोर्स है, यानी क्रैश कोर्स एकदम इसमें शुरू से एकदम आपको पढ़ाया जा रहा है। और क्रैश कोर्स रोज आपका 8:10 पे आपका शुरू होता है, ठीक है। और ये क्रैश कोर्स मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आज बहुपद हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप लोग क्रैश कोर्स करना, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04, ठीक है। इस पे आपको हाई लिख के भेजना है, और जैसे ही आप लोग हाई लिख के भेजिएगा, इधर से वो लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको ग्रुप में जुड़ जाना है। तो सभी बच्चे जल्दी से एक बार आप लोग लाइव आ जाइए, और एक बार आप लोग बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं, उसके बाद क्लास को हम शुरू करते हैं। सभी बच्चे एक बार आप लोग बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं, उसके बाद बाबू मेरे क्लास को शुरू करते हैं काफी अच्छी तरीके से। कमेंट रुका हुआ है, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं। लकी टिंकू बहुत ही बढ़िया, जहांगीर गोल्डी तिवारी, चलिए रामेश्वर आलम भाई बहुत ही बढ़िया, डेविल दिनेश विवेक, चलिए अख्तर खान किंग भाई बहुत बढ़िया, रितेश, सभी बच्चे एक बार आप लोग बता दीजिए आप लोग कैसे हैं। और सभी बच्चे आप लोग लाइव आ जाइए ताकि क्लास में गर्दा उड़ाया जा सके, ठीक है। यानी आपको एकदम 100% समझ में आएगा। सभी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, क्लास को बाबू शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम स्क्रीन पे लगाते हैं, और आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन बाबू आपके स्क्रीन पे है, आप लोग जल्दी से देखिए और इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। अगर कल आप लोगों ने बेसिक क्लास किया है बाबू, तो एकदम आप लोग फटाक से इसका आप लोग आंसर बता दीजिएगा, और एकदम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम आपको 100% समझ में आएगा। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमको समझ में नहीं आएगा। और एक बात आपको यह भी याद रखना है कि आप लोग पढ़ने के लिए यहां पे आए हैं, तो पूरा एकदम आपका जो दिमाग होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य एक ही गो है बाबू, आपको याद रखना है 480+ नंबर लाना और टॉपर बनना। क्योंकि छोटा मोटा बाबू आप लोग सपना देखिएगा, तो छोटा मोटा सपना पूरा नहीं होता है। आपको हमेशा बड़ा सपना देखना चाहिए और बड़े सपने को ही हासिल करना चाहिए, ठीक है। तो सपना हम लोगों का बड़ा है बाबू, तो बड़ा सपना देखने के लिए बड़ा मेहनत भी करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत भी करना पड़ता है, ठीक है। तो मेहनत से हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे, ये हमारा गारंटी है। मिल के एकदम हम लोग पढ़ेंगे और 100% हम लोग 480+ नंबर को टच करेंगे, ये हमारा गारंटी है। तो सभी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, क्लास को बाबू एकदम शुरू करते हैं। पहला नंबर ही क्वेश्चन आया है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, और ये बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। तो एक घात वाले बहुपद को बाबू मेरे क्या कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा, समझ में आ गया, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। एक घात वाले बहुपद को, जैसे यहाँ पे बहुपद दिया है, इसमें चर का महत्तम घात क्या है, कुछ भी नहीं है, एक है, तो ये कौन सा बहुपद हुआ, तो ये रैखिक बहुपद हुआ। इसमें भी क्या है, चर का महत्तम घात कुछ भी नहीं है, एक है, तो ये भी क्या होगा बाबू मेरे, यहाँ पे रैखिक बहुपद होगा, आपको याद रखना, समझ में आ गया। अब अगर बाबू हम आपसे इसी में क्वेश्चन पूछ दें, तो क्या आप लोग आंसर दे पाइएगा, चलिए दे के बताइए। बेसिक क्लास आप लोगों ने पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा। रैखिक बहुपद का अगर हम शून्यक बोल दें कि रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। रैखिक बहुपद का बाबू मेरे शून्य कितना होता है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। वाह,
एक आंसर आने लगा, अगर इस तरीके से आंसर आने लगेगा ना, तो यकीन मानिए फाइनल बोर्ड परीक्षा आपके आगे कुछ भी नहीं होगा, एकदम छोटा सा लगेगा, एकदम बच्चा की तरह, एकदम सभी क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा, बहुत बढ़िया। तो रैखिक बहुपद का बाबू शून्य कितना होता है? तो रैखिक बहुपद का शून्य एक होता है। इसका शून्य एक क्यों होता है? क्योंकि इसका पावर कितना होता है? एक होगा। जब पावर एक होगा तो इसका शून्य भी कितना होगा बाबू मेरे? एक होगा। इसे आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट यहां पे आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, यहां पे अगला क्वेश्चन है बाबू, आप लोग ध्यान से देखिएगा, दो नंबर कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि दो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आते हैं बाबू आपके बोर्ड परीक्षा में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि दो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं। तो दो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं बाबू? बहुत ही बढ़िया, जितने भी बच्चे बेसिक पढ़े हैं ना, एकदम गर्दा उड़ा दे रहे हैं। तो देखिए, दो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं बाबू मेरे, आपको पता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अब देखिए, इसमें ये चर है x, यहां पे चर है, इसका पावर एक है, इसका पावर दो है। तो जिसमें चर का महत्तम घात कितना होता है? दो होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? द्विघात बहुपद हुआ। और इसमें भी चर का महत्तम घात कितना है? दो है, तो ये भी द्विघात बहुपद हुआ। अब यहां पे बाबू मेरे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है, आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछ देता है कि द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है। तो द्विघात बहुपद का पावर कितना होता है? दो होता है। तो उसका शून्यक भी कितना होगा? आपको याद रखना है, द्विघात बहुपद का अगर आपसे शून्यक बोलेगा कि द्विघात बहुपद का शून्यक कितना है, तो आपको आंसर बताना है, सर जी द्विघात बहुपद का शून्यक भी दो होता है और द्विघात बहुपद का पावर भी कितना होता है? दो ही होता है। इसे आपको याद रखना है। इसी प्रकार आ जाइए आप लोग त्रिघात बहुपद पे। त्रिघात बहुपद देखिए, तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं बाबू? आपको पता है, जिस बहुपद में चर का महत्तम घात कितना हो? तीन हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। यहां पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन बाबू बोलेगा कि त्रिघात बहुपद का शून्य कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए बाबू, इसमें ये त्रिघात बहुपद लिखा गया है दो गो, इसमें चर का महत्तम घात कितना है आप लोग देख के बताइए। पहला में यहां पे एक है, यहां पे दो है, यहां पे तीन है। चर का सबसे ज्यादा पावर किसका है? सबसे ज्यादा पावर तो एक्स का पावर यहां पे सबसे ज्यादा तीन है, तो ये क्या होगा? त्रिघात बहुपद होगा। अब जब पावर तीन है तो बाबू शून्य भी कितना निकलेगा? तीन गो निकलेगा। अगर आपसे बोलेगा कि त्रिघात बहुपद शून्य कितना होता है, तो त्रिघात बहुपद का बाबू जो शून्य होता है, ये भी तीन गो होता है। इसे आपको याद रखना है। इतना क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे हम लोग चलते हैं, जल्दी से आप लोग देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे बाबू आप लोग देखिए, ये भी हम आपको बताए थे बाबू बेसिक क्लास में, ये भी हम आपको बताए थे। यहाँ पे चार नंबर क्वेश्चन देखिए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। अब यहाँ पे बाबू मेरे बताना है, और ये बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, और बेसिक क्लास में हम आपको बताए भी थे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। सभी बच्चे एकदम फटाफट बाबू आप लोग कॉमेंट करके बताइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग हो, तो क्लास आपको बाबू आप लोग कसम खा लीजिए, क्लास को एकदम आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक नहीं देखिएगा बाबू, तो फिर जो आप परेशानी में है, वही परेशानी में बाबू आप लोग रह जाइएगा। इसीलिए एक डेढ़ घंटा का क्लास, एक डेढ़ घंटा आप लोग एकदम शुरू से लेके अंत तक देख लीजिए, सब परेशानी आपका दूर हो जाएगा, ये हमारा गारंटी है। बहुत बढ़िया। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसे आपको याद रखना है। और जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है बाबू मेरे? c होता है। इसे आपको याद रखना है। समझ में आ गया? और ये क्वेश्चन बाबू बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसे एकदम आपको 100% आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है, बोर्ड परीक्षा में आता है। क्वेश्चन क्या है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। अब बाबू मेरे यहां पे आपको बताना है कि जो त्रिघात बहुपद होता है, यानी जिस बहुपद में चर का महत्तम घात तीन होता है, उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है,
तो ये आपको याद रखना है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है बाबू मेरे, आपको याद रखना है। कल हम आपको बाबू बताए हैं और ये दोनों के दोनों आपको याद रखना है, दोनों के दोनों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एकदम 100% बाबू मेरे आता ही आता है, ये पूछेगा नहीं तो वो पूछेगा। तो दोनों आपको द्विघात बहुपद का भी व्यापक रूप आपको याद रखना है और आपको यहां पे त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप आपको याद रखना है 100%, ठीक है। अब आगे चलते हैं बाबू, क्वेश्चन बनाने वाले पे चलते हैं और एक एक क्वेश्चन आप लोग यहां पे बनाइए। पहला क्वेश्चन बाबू हम आपको यहां पे देते हैं, अभी इसको आप लोग मत बनाइए, हम यहां पे क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आपको फटाफट बनाना है और कमेंट करके यहां पे आंसर बताना है। जल्दी से आप लोग बताइए, एक्स माइनस चार का यहां पे आपको शून्यक निकालना है, जल्दी से इसका आप लोग शून्यक बताइए, बिना ऑप्शन का आपको शून्यक बताना है फटाफट, तभी आपका दिमाग तेज होगा। और बाबू पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और आपको किसी भी मतलब जो बच्चा कमेंट कर रहा है उसका आपको नकल नहीं करना है, सही आ रहा है सही कमेंट करिए, गलत आपका आंसर निकला है गलत कमेंट करिए, गलती से ही बाबू सीखता है सभी लोग। आज हम भी बाबू पढ़ा रहे ना तो एक दिन गलती कर करके बाबू सीखे हैं पढ़ाने के लिए, ये नहीं कहें कि हम मतलब जन्म लेते ही एकदम विद्वान पैदा हुए थे और एकदम हम पढ़ाने लगे, ऐसा भी बात नहीं है, सभी बच्चा शुरू से ही सीखता है, हम भी शुरू से ही सीखते सीखते आपको पढ़ा रहे हैं। तो सभी आपको भी यही रखना है कि अगर आप लोग दिल में अगर आप लोग मान लीजिएगा ठान लीजिएगा दिमाग में कि हमको सीखना है तो 100% आप लोग सीख जाइएगा, ये हमारा गारंटी है। कोई भी महान पैदा नहीं होता है, महान यहां पे आके बनता है बाबू, और महान कैसे बनता है तो मेहनत करके बनता है, आपको एक बात आपको याद रखना होगा। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि x - 4 का यहां पे शून्य क्या होगा, तो जब भी बाबू मेरे शून्यक बोलेगा, इसका बोल रहा है ना शून्यक निकालने के लिए, इसी का बोल रहा है शून्यक निकालने के लिए, तो बस आपको बराबर के इधर जीरो आपको लिख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शून्यक बोलेगा ना निकालने के लिए तो बस आपको x का मान बाबू आपको निकालना है, तो x का मान कैसे निकलता है, तो x अगर एक बगल होगा ना तो क्या होगा, अगर x को एक बगल कर दिया जाए बाकी सबको उस बगल भेज दिया जाए तो वही x का मान होता है, आपको याद रखना है। तो क्या करेंगे, x को इस बगल रखेंगे, अब बाकी को क्या करेंगे माइनस 4 है उसको उस बगल भेज देंगे यानी दूसरे तरफ, तो माइनस 4 बाबू जब बराबर के उधर जाएगा तो इधर माइनस है तो बराबर के उधर जाता है तो बाबू चिन्ह बदल जाता है, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आपको याद रखना है। x बराबर यहां पे 4 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा बाबू x का मान हो जाएगा, यही इसका शून्यक हो जाएगा। कितने बच्चों लोगों का आया, आ गया ना एगो, अब आप लोग फटाफट इसका आप लोग बताइए y प्लस 2 का शून्य का आप लोग बताइए, जल्दी से यहां पे आपको बताना है फटाफट आपको बताना है क्योंकि आज हम ये कम करवाएंगे और ये हम ज्यादा करवाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसका आप लोग आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चे अभी बहुत भारी भारी करवाने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन आता है ना फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये हम बाद में करवाएंगे क्वेश्चन, पहले अपना क्वेश्चन करवा के आपका दिमाग तेज कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए माइनस क्या होगा बाबू, इसका आप लोग बताइए, इसका आप लोग बताइए, बहुत बढ़िया, क्या आंसर आ रहा है आप लोग का, माइनस 2, बहुत ही बढ़िया एकदम सही जवाब। आपको निकालना क्या है, वाई प्लस 2 का शून्य निकालना है, बराबर की इधर आप लोग जीरो लिख दीजिए। अब बाबू मेरे क्या है, प्लस 2 है बाबू, जब बराबर की उधर भेजिएगा तो उधर जाएगा तो बाबू चीन जो चीन है बाबू वो मतलब क्या हो जाएगा बदल जाएगा, तो इधर वाई बराबर इधर क्या आएगा बाबू प्लस 2 है बाबू, तो बोलिएगा सर ये जीरो कहां गया, तो जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, तो वहां पे कुछ नहीं है तो प्लस 2 जाएगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हम लोगों का एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हम आपका बदलाव करते हैं, अब इसका आप लोग आंसर बताइए, इसका आप आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे x माइनस a का शून्य क्या होगा, ऐसे बाबू क्वेश्चन दे देता है, जल्दी से इसका आप लोग बताइए x माइनस a का शून्य क्या होगा, सभी बच्चे निकालेंगे बाबू, खाली संख्या में नहीं देता है आपका, इस तरीके से भी देता है, इस तरीके से भी आपको रेडी रहना है, इस तरीके से भी रेडी रहना है, x माइनस a का शून्य क्या होगा फटाफट आपको यहां पे आंसर देना है, x माइनस a है बाबू, आपको ध्यान से यहां पे देखना है कि क्या है, x माइनस a है तो माइनस a बाबू बराबर के उधर ही तो भेजना है ना, x का आपको क्या करना है, इसका शून्य निकालना है, इसका मतलब क्या है आपको x का बाबू मेरे मान निकालना है, तो माइनस a को क्या करेंगे बराबर के उधर भेजेंगे, तो इधर हमारा x बचेगा माइनस a बाबू उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यहां पे प्लस a हो जाएगा, समझ में आ गया बाबू, यही क्या हो जाएगा। जितने भी बच्चे a आंसर कर रहे हैं उनका एकदम 100% सही आंसर है, x नहीं
आपको x को इधर रखना है, x जो होता है x y z ये सब क्या होते हैं इधर रहते हैं, अब बाकी सबको क्या किया जाए इसी का मान निकालना पड़ता है, ठीक है। a b c d ये क्या होते हैं उसको मतलब ये उसको उधर भेजा जाता है, इससे आपको समझ में आपको इसे समझना है, ठीक है। अब बाबू हम आपको नेक्स्ट हम आपको बताते हैं उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे वाला समझिए 2x अब माइनस यहां पे 4, अब इसका देखिए थोड़ा सा ये क्या होता है अलग होता है। अब इसका अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसका आप लोग शून्यक निकाल के बताइए तो इसका शून्यक क्या होगा, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद बाबू हम अपना क्वेश्चन ये सब आपको सॉल्व करवाएंगे, एक दो को क्वेश्चन और समझ लीजिए जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है, ठीक है। तो बाबू इसका आप लोग शून्यक बताइए, 2x माइनस 4 का शून्यक क्या होगा सभी बच्चे बताएंगे, 2x माइनस 4 का शून्य क्या होगा सभी बच्चे बताएंगे, बहुत ही बढ़िया। प्लस में या माइनस में बाबू आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे हैं, ध्यान से समझिए, इधर माइनस है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस, इधर बाबू प्लस है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, जस्ट उल्टा हो जाता है आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग मत गड़बड़ाइए, यहाँ पे 2x माइनस 4 और शून्य निकालना है तो बाबू जीरो। अब देखिए ये दो गुणा कर रहे हैं तो सबसे पहले दो को उधर नहीं भेजते हैं, सबसे पहले प्लस और माइनस वाले को उधर भेजते हैं, बाद में गुणा वाले को भेजते हैं, ये बाबू आपको याद रखना है। सबसे पहले देखिए माइनस 4 है, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस 4 बाबू उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बाबू मेरे, ये प्लस 4 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए अब x का मान निकालना है तो दो इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाके क्या करता है भाग करता है, भाग करने का मतलब बट्टा के नीचे चला जाता है, आपको याद रखना है। x बराबर कितना हो जाएगा 4, अब बट्टा के नीचे बाबू यहां पे आ जाएगा 2, अब बाबू ये कटेगा तो इसको कटाइए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, x बराबर कितना निकल गया बाबू 2 निकल गया, 2 आप लोगों का राइट आंसर, निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा जल्दी से आप लोग बताइए, निकलेगा कि नहीं निकलेगा जल्दी से आप लोग बताइए, निकल जाएगा ना। तो चलिए अब इसी पे है बाबू ये वाला क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से इसका निकाल के आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा सभी बच्चे, ये स्क्वायर वाला दिया है, चलिए स्क्वायर वाला दिया है अभी हम आपको बताते हैं, कुछ और आप लोग पढ़ लीजिए उसके बाद हम आपको स्क्वायर वाला बताते हैं कि स्क्वायर वाला कैसे निकलेगा। चलिए जल्दी से अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगला यहाँ पे बाबू आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ए एक्स प्लस यहां पे बी और बोलेगा बाबू इसका आप लोग शून्यक निकालिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, घुमाता है ना फाइनल बोर्ड परीक्षा में, आप लोग पढ़ रहे हैं ना बाबू, एक एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका किसी भी तरीका से दे, कहीं से भी घुमा के दे, आप लोग को फंसना नहीं है, एकदम 100% आपको निकाल देना है, ऐसे पढ़ाई होने चाहिए, अगर ऐसा पढ़ाई करिएगा तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में बाबू आपका दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है। अब इसका बोल रहा है बाबू शून्यक निकालने के लिए कैसे निकलेगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यहां पे ax प्लस क्या है बाबू मेरे b है, अब इसका शून्यक निकालना है, सबसे पहले बराबर की इधर जीरो लिखिए, शून्यक निकालने का मतलब आपको यहां पे x का मान निकालना है, तो अब देखिए ये प्लस b है बाबू बराबर के सबसे पहले इसको इधर भेजना है तो प्लस b बाबू बराबर के उधर जाएगा तो माइनस b हो जाएगा और इधर क्या बचेगा ax बचेगा, बचेगा ना, केवल हम इसको बेचें, अब यहां पे ये बराबर है तो बराबर, ये प्लस b बाबू बराबर के इधर आएगा तो इधर हो जाएगा माइनस b, अब देखिए a इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा बाबू मेरे भाग करेगा, क्या करेगा भाग करेगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b अब बट्टा के नीचे a, और जो भी बच्चे माइनस b बट्टा a आंसर कर रहे हैं उनका 101% एकदम सही आंसर है, माइनस कितना आ रहा है बहुत ही बढ़िया, माइनस बी बट्टा ए आपका एकदम 101% एकदम राइट आंसर है, समझ में आ रहा है ना बाबू, एक एक बाबू आपका टाइम लगेगा लेकिन एक एक पॉइंट अगर आप लोग सीख लीजिएगा ना तो फाइनल बोर्ड परीक्षा को आप लोग नचा दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है, नचाना का मतलब क्या है नाचना नहीं, उसको घुमा दीजिएगा, आप वो आपको नहीं घुमाएगा आप लोग उसको घुमा दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। नेक्स्ट अब हम आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन, हम आपको कुछ देते हैं आप लोग यहाँ पे ध्यान से बाबू देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे माइनस 4, अब इसका बोलेगा बाबू शून्यक निकालने के लिए तो क्या होगा, अब ये थोड़ा सा क्या हुआ अलग क्वेश्चन हुआ, इसका अब आपको शून्यक निकाल के बताना है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे और थोड़ा सा एक दो को क्वेश्चन और है उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए और आपको क्या करना बाबू पढ़ने आए हैं ना तो एकदम 100% बाबू टाइम लेके आइए, क्योंकि ऐसा पढ़िए कि फिर आपको दोबारा वो चैप्टर ना पढ़ना पड़े, अगर आपका दोस्त पूछ रहा है ना ये क्वेश्चन क्या होगा तो फटाक से उसका आंसर इतना आप में
पढ़ लेने के बाद इतना होना चाहिए कि कोई भी किताब आपसे बन जाए, कोई भी अगर आपका दोस्त पूछ रहा है एकदम फटाक से आप लोग बना दीजिए, इतना बाबू होना चाहिए पढ़ने का। तो इसका क्या होगा बाबू, आप लोग देखिए, इसका शून्यक निकालना है x स्क्वायर माइनस 4, इसका शून्यक निकालना है बराबर की इधर 0। सबसे पहले आपको माइनस 4 को बाबू बराबर के उधर भेजना है, तो इधर हमारा एक्स स्क्वायर केवल बचेगा, ये तो अब उधर गया, अब ये उधर जाएगा, माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा बाबू मेरे। अब यहां पर देखिए बाबू, अब क्या होगा, स्क्वायर को क्या करना है बाबू, केवल एक्स का आपको मान निकालना है, ना कि एक्स, यहां पे एक्स स्क्वायर है, केवल आपको बाबू मेरे एक्स का मान निकालना होता है, यहां पे क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जब बाबू, अब ये आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा 100% कि अगर इधर स्क्वायर है तो बराबर के उधर जाएगा तो रूट हो जाता है, इसे आपको याद रखना, और अगर इधर रूट है तो रूट को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, इसे आपको याद रखना, जैसे इधर प्लस है तो उधर जाता है तो माइनस होता है ना, और उधर प्लस है इधर आता है तो माइनस हो जाता है ना, इसी प्रकार इधर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो रूट, अगर उधर रूट है, रूट अगर इधर आएगा तो क्या होगा स्क्वायर होगा, दोनों ये आपस में उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। तो स्क्वायर बाबू बराबर के उधर जाएगा, तो स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो ये रूट 4 हो जाएगा। अब यहां पे बाबू, अब आपको पता होगा, हम आपको कई बार बोले हैं बाबू, 1 से लेके 30 तक आप लोग अब वर्गमूल आप लोग याद रखिए, वर्ग आप लोग को याद रखिए, हर एक मोड़ पे काम आता है, और जो ये रूट वाली संख्या होता है ना, ये प्लस माइनस दोनों में होता है बाबू मेरे, आपको याद रखना है। रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो रूट 4 का वर्गमूल 2 होगा, प्लस माइनस एक बार आपको क्या होगा x का मान जो होगा एक बार प्लस में 2 होगा, एक बार कोमा में आपको क्या लिखना है माइनस 2, क्योंकि जो 2 है ये प्लस माइनस दोनों में है, यानी एक बार प्लस 2 है और एक बार क्या है बाबू आपका माइनस 2 है, और ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग कॉमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे समझ में आ गया। अब एक को क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट पे बढ़ेंगे और आप लोग सभी क्वेश्चन आप लोग बना पाइएगा। लास्ट इसमें का क्वेश्चन है, एक और हम आपको देते हैं, ध्यान से आप लोग यहां पे देखिएगा, 2x यहाँ पे माइनस यहाँ पे दे देते हैं 32, इसका आपको क्या करना है 2x स्क्वायर माइनस 32, इसका एक बार आप लोग निकाल लीजिए, उसके बाद आप लोग सीख गए, और जो एक दो को बचेगा वो हम आगे आपको बता देंगे, ठीक है, बेसिक इतना आपका कंप्लीट है। और अब आपसे कोई भी बोलेगा ना ये शून्य के निकालो वो शून्य के निकालो, चुटकियों में आप लोग निकाल दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है, इसका एक बार आप लोग निकाल के बता दीजिए, उसके बाद हम आपको बताते प्लस 4 माइनस 4। और जिन भी बच्चों का गलत हो रहा है ना बाबू, आप लोग शर्माओ मत, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, मतलब आंसर लिखो, एबीसीडी नहीं, ताकि हमको समझ में आए कि बच्चा अभी गलती कर रहा है, उसको समझाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा बाबू, शर्माने से नहीं होता है, आपको खुल के बोलना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप लोग बोलिएगा नहीं कि मुझे यहां पे दर्द है, तो वो क्या दवा देगा, अगर मान लीजिए दर्द है और यहां पे आपको सर्दी का दवाई दे दिया, ठीक है, तो काम करेगा नहीं करेगा, तो आप लोग शर्माइए मत, यहां पे कमेंट खुला हुआ है, आप लोग यहां पे बोलिए, ठीक है, सभी बच्चे बोलेंगे। यहां पे देखिए बाबू, इसको निकालना है, तो देखिए 2x स्क्वायर और माइनस यहां पे 32 है, बराबर के इधर क्या लिखेंगे बाबू मेरे 0 लिखेंगे, सबसे पहले शून्य निकालना है, तो अब आपको क्या करना है, माइनस 32 को बाबू उधर भेजना है, तो माइनस 32 बाबू उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 32 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा हमारा, ये तो बचेगा केवल इसी को ना भेज रहे हैं, तो इधर आएगा बराबर के इधर, तो ये प्लस 32 हो जाएगा। अब देखिए, अब एक बार आपको स्क्वायर नहीं भेज देना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि स्क्वायर अब नहीं भेजना, सबसे पहले जो गुणा भाग कर रहा है उसको भेजना है, तो दो इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ उसके बट्टा के नीचे चला जाएगा, ये आपको याद रखना है, तो यहां से बचेगा केवल x स्क्वायर और यहां पे 32 है, और ये गुणा कर रहा है बाबू, इसके नीचे आ जाएगा, नहीं यहां पे आ जाएगा 2, अब ये कट रहा है, कटाइए कितना बार में कटेगा 16 बार में कटेगा, यानी x स्क्वायर बराबर यहां पे 16 आ गया। अब स्क्वायर को क्या करेंगे बाबू, बराबर के इधर भेजेंगे, तो स्क्वायर जब बाबू बराबर के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू मेरे अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर बराबर किधर जाता है तो रूट हो जाता है, और जब रूट में जो संख्या होती है ये आपको याद रखना है प्लस माइनस दोनों में होता है, तो एक्स बराबर बाबू 16 का वर्गमूल कितना होगा प्लस माइनस 4 होगा, यानी एक्स का जो मान होगा ये आपका एगो प्लस 4 होगा और कोमा लगा के एगो आपका माइनस 4 होगा, इसे आपको विशेष तरीके से आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया,
समझ में आ गया ना बाबू। अब आप लोग चलिए, अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन आपको लगेगा अब ये हलवा है, ठीक है, और जल्दी से इसे आप लोग बना दीजिए, क्योंकि देखिए कुछ भी चीज पढ़ने से पहले उसका हमको बेसिक नॉलेज का जरूरी होना चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज आपको है तो 100% बाबू मेरे आप लोग बना दीजिएगा, बना दीजिएगा कि नहीं। तो चलिए इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा, बीच बीच में हम अपना भी क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा सभी बच्चे जल्दी से कॉमेंट करके बताएंगे। चलिए +2 और -2 बच्चे आंसर कर रहे हैं, 3-3 भी आंसर कर रहे हैं, और जो भी बच्चे लाइव नहीं है ना बाबू तो आप लोग स्क्रीन पे ऐसे टिपिएगा ना तो एगो लाइव आएगा लिखा हुआ, उस लाइव पे अगर व्हाइट होगा तो आप लोग समझ जाइए पीछे है, अगर उस पे रेड कलर का जल रहा है तो एकदम आप लोग लाइव है। तो अगर आप लोग लाइव नहीं है, व्हाइट है आपके पास, तो उस लाइव पे आपको क्लिक कर देना है ताकि आप लोग भी क्या हो जाए एकदम लाइव आ जाए, ठीक है। क्लिक कर लीजिए सभी बच्चे, क्योंकि जो यहाँ पे बताएंगे फटाफट आपके पास जाएगा, नहीं तो पीछे रहिएगा तो आंसर भी आपका पीछे आएगा, ठीक है। चलिए अब इसका बाबू आपको शून्यक निकालना है, क्या है 3x² और माइनस बाबू 12 है, बराबर किधर लिखेंगे 0। सबसे पहला काम -12 को इधर भेजेंगे, तो इधर हमारा क्या बचेगा बाबू, ये 3x² बचेगा और ये चला जाएगा बराबर किधर, तो ये -12 है बाबू, तो ये +12 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, तो इधर हमारा क्या बचेगा बाबू x² बचेगा बराबर यहां पे 12। अब जो ये 3 है बाबू इसके नीचे जाएगा यहां पे, अब देखिए ये 3 से कटाइए, 3 चौका कितना हो जाएगा 12, 4 बार में कटेगा, x² बराबर यहां पे निकल गया 4। अब ये स्क्वायर को क्या करेंगे बाबू, बराबर के उधर भेजेंगे, तो ये स्क्वायर अगर बराबर के उधर जाएगा तो बाबू क्या हो जाएगा अंडर रूट यहां पे 4 हो जाएगा, और जो रूट वाली संख्या होती है प्लस माइनस दोनों में होती है, तो रूट 4 का वर्गमूल बाबू प्लस माइनस 2 निकलेगा, यानी एक बार आपका क्या होगा +2 होगा और एक बार आपका -2 होगा, और इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे माइनस वाला भी लिख सकते हैं, आगे प्लस वाला भी लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन में क्या करता है कि कब पहले माइनस वाला लिख देता है, कब बाद में प्लस वाला लिख देता है, बच्चा देख के कंफ्यूजन में हो जाता है। तो बाबू आपको याद रखना है, पहले +2 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, अब पहले यहां पे माइनस वाला भी लिख सकते हैं, बाद में प्लस वाला भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत आपका नहीं होने वाला है। हमेशा ये नहीं कि हमेशा आगे प्लस वाला लिखाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसमें कहां है, तो एक +2 है और एक -2 है, ए वाला ऑप्शन बाबू मेरे यहां पे बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा, एकदम आपका दिमाग में एकदम फिट हो गया होगा, ये हमारा गारंटी है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन देखने से पहले बाबू मेरे एक क्वेश्चन का आप लोग सवाल, एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे दीजिए। यहां पे ax² और यहां पे -b है, अब इसका अगर हम आपसे बोल दे बाबू शून्यक निकालने के लिए तो क्या होगा। सभी बच्चे एक बार आप लोग जल्दी से सभी बच्चे एक बार इसका आंसर दे दीजिए, अगर आपको पता है तो इसका, अगर आपको शून्यक निकालने के लिए आ जाएगा कि इसका शून्यक निकालिए तो क्या होगा, जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे सभी। x² माइनस बी का, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में आजकल क्या हो रहा है ना, एग्जामिनर भी जान रहा है कि ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा तेज है, उसको एकदम हार्ड क्वेश्चन दो, एकदम घुमा घुमा के बाबू क्वेश्चन दे रहा है, तो एकदम हम लोग भी घुमा घुमा के पढ़ लेंगे कि किधरों से क्वेश्चन उठा के देगा, 100% हम लोग बना देंगे। तो जल्दी से बाबू कितना भी घुमाए घूमना नहीं है, इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो बाबू मेरे हम बताएंगे। जितने भी बच्चे a/2 बता रहे हैं उनका क्या है बाबू 100% यहां पे गलत है, और जितने भी बच्चे यहां पे रूट अंडर क्या बता रहे हैं b/a बता रहे हैं उनका एकदम सही। ध्यान से आप लोग देखिए, इसी का निकालना है ना बाबू ax² और -b आपको क्या करना है बराबर की इधर 0। अब आपको क्या करना है, -b को बाबू बराबर के उधर भेजना है, तो यहां पे ax² -b बाबू इधर आएगा तो ये +b हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, a इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बाबू ये बट्टा के नीचे चला जाएगा b/a। अब यहां पे बाबू आपको समझने की बात है, केवल हमको x का मान निकालना है, तो जो a² है इसको भी क्या करेंगे बराबर के इधर भेज देंगे, तो x बराबर बाबू क्या होगा अंडर रूट यहां पे b/a हो जाएगा, और b का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, a का वर्गमूल निकलेगा नहीं बाबू, यही ऑप्शन में होगा, और बच्चा देखेगा बोलेगा क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। अब आपसे बनेगा ना बाबू, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, अब ये क्वेश्चन आपसे बाबू बनना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम आपसे बन भी जाएगा, ये हम गारंटी के साथ बोलते हैं बन जाएगा ना। अब
एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, लास्ट है, उसके बाद नेक्स्ट ये टाइप पे खत्म हो जाएगा। अगला एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, जेड एक्स स्क्वायर एक्स प्लस यहां पे माइनस यहां पे दिया है बी एक्स स्क्वायर। अब बाबू मेरे इसका लास्ट वाला यही है, उसके बाद आप लोगों का ये कहानी खत्म हो जाएगा। कोई भी शून्य देगा, बुक का कोई भी शून्य देगा, एकदम आप लोग 100% निकाल लीजिएगा। चलिए जल्दी से इसका आप लोग शून्य निकाल दीजिए कि इसका आप लोगों का शून्य क्या होगा। सभी पे स्क्वायर है, सभी पे बाबू मेरे क्या है स्क्वायर है, इसका आपको क्या करना है शून्य निकालना है। जल्दी से आप लोग निकालिए, जल्दी से आप लोग इसका शून्य निकालिए क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, बी बटा जेड, बहुत ही बढ़िया। पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो 299 रुपए में आपको मिलेगा। इसका शून्य निकालना है तो बाबू आपको याद रखना है जीरो लिख दीजिए। एक्स का आपको मान निकालना है तो बी स्क्वायर को उधर भेजिए, तो माइनस बी स्क्वायर बाबू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी उधर जाएगा तो बाबू ये क्या होगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो जेड स्क्वायर इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा बाबू भाग करेगा, नहीं एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा बी स्क्वायर। अब बट्टा के नीचे ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे आ जाएगा, आ गया। अब बाबू यहां पे देखिए जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो बाबू रूट में बदल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट यहां पे बी स्क्वायर, अब बट्टा के नीचे यहां पे जेड स्क्वायर हो जाएगा ना। स्क्वायर से बाबू इसका भी रूट कट जाएगा, स्क्वायर से इसका भी दोनों का रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहां पे क्या होगा x बराबर बी बट्टा जेड, और यही आपका क्या हो जाएगा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये प्लस माइनस दोनों में रहेगा, इसे आपको याद रखना है। समझ में आ गया? इतना अगर आप लोगों के दिमाग में बाबू मेरे फिट हो गया है ना, तो यकीन मानिए शून्य कोई भी आपको निकालने का देगा आप लोग एकदम 100% एकदम बना दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। अब यहां पे बाबू मेरे हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन बाबू आपको हम एक बात बता देते हैं कसम से कि ये क्वेश्चन बाबू प्रत्येक साल आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है, और ये किस तरीके से आता है ये हम आपको बताएंगे, और कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है ये भी आप लोग एकदम 100% में सीख जाइएगा अगर आपको नहीं आता है। और जो भी बच्चे का पहले से आता है बिल्कुल आप लोग 100% देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, ये हमारा गारंटी है। देखिए कैसे बनेगा बाबू, बहुपद यहां पे दिया है 4x2 + 3x + 2, ये शून्यकों का योग ज्ञात करें। अब बाबू हम आपको याद पाड़िए, हम आपको दिए थे बाबू बेसिक क्लास के लास्ट में फॉर्मूला याद करने के लिए दिए थे कि नहीं, उस समय बच्चे कितने हो गए थे बाबू, तो कुछ कुल बच्चे यहां पे 450 उस समय पढ़ रहे थे, ठीक है, जुड़े थे 800, लेकिन जब फॉर्मूला देने का बारी आया लास्ट में बच्चे कितने बचे बाबू यहां पे 450, तो बाबू घाटा हुआ कि नहीं और सब बच्चों का, तो फॉर्मूला याद है तो बहुत ही बढ़िया। अब यहां पे देखिए शून्यकों का योग क्या होता है बाबू मेरे, आपको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा, जो भी बच्चे फॉर्मूला याद करके आए हैं, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा क्या होता है बाबू मेरे ए होता है। अब यहां पे किसका मान निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, तो बस यहां पे आपको बी का मान रखना है और यहां पे ए का मान रखना है। अब बाबू मेरे अगर हम आपसे पूछें कि बाबू बी का मान कौन सा होगा ए का मान कौन सा होगा, तो कल का आपका बेसिक क्लास बाबू आपको याद पड़ेगा, जिसमें बाबू हम आपको बताए थे, ध्यान से आप लोगों को याद रखिएगा कि जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है। तो यहां पर देखिए जो एक्स स्क्वायर में यहां पर क्या गुणा कर रहा है आप लोग बताइए, जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है, तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है 4 गुणा कर रहा है, तो ए का मान बाबू मेरे कितना है 4 है। जो x में गुणा करता है बाबू वो क्या होता है b होता है, तो x में क्या गुणा कर रहा है यहां पे देखिए 3 है, तो यहां पे लिख देंगे 3। और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है बाबू, कल हम आपको काफी अच्छी तरीके से बताए थे कि जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c का मान होता है, a b c का मान निकल गया, बस इसमें आपको रखना है जो बोल रहा है माइनस है तो बाबू माइनस, अब b का मान बस बाबू यहां पे रखना है, तो b का मान हुआ बाबू कितना है, तो b का मान 3 है, तो बाबू मेरे यहां पे 3 लिख दीजिए। अब बट्टा के नीचे a का मान रखना है, तो a का मान हुआ बाबू कितना है, a का मान यहां पे 4 है, तो a के जगह पे बाबू आप लोग 4 रख दीजिए, और ये किसका मान निकल गया अल्फा प्लस बीटा, और यही अल्फा प्लस बीटा क्या होता है शून्यकों का योग होता है, यानी -3/4 बाबू आप लोग देखिए c वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो गया निकल गया। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं, सभी बच्चों को एकदम आ गया होगा, वो एकदम बेसिक तरीका से बाबू हम आपको बताएं, कोई भी आपका इधर उधर नहीं किया, एकदम 100% आपको एकदम बेसिक एकदम नहीं होता, प्योर देसी चीज हम आपको बताए हैं और आपको एकदम समझ में भी आया होगा। आ गया,
बहुत ही बढ़िया। अब चलिए हम आपको नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन देते हैं, दो तीन को आप लोग बना लीजिए, ठीक है। इसी पे हम आपको क्वेश्चन देते हैं, माइनस दो एक्स स्क्वायर, यहां पे लिख देते हैं माइनस छह एक्स, अब प्लस यहां पे दो, अब बोल दे कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। जल्दी से आप लोग निकाल के बताइए क्या होगा। सभी बच्चे यहां पे निकाल के बताएंगे, बाबू ये भी समझ लीजिए इस क्वेश्चन का बेसिक है, अगर आप लोग बना लीजिएगा तो 100% सभी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा बाबू। जल्दी से आप लोग बताइए इसका क्या होगा, फटाफट आपको यहां पे बताना है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। बारिक भाई बहुत बढ़िया, गोलू, नीरज भाई बहुत बढ़िया, स्टेवन रॉक भाई बहुत बढ़िया, प्रिंस, लकी वर्मा भाई बहुत बढ़िया, जहांगीर भाई बहुत बढ़िया, डेविल भाई बहुत बढ़िया। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत ही बढ़िया। छह बट्टा दो बाबू मेरे, छह बट्टा दो है तो उसको कटाना पड़ेगा ना, क्योंकि दो से छह कटता है। अब यहां पे देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग निकालना है। क्या होता है बाबू, तो माइनस बी और बट्टा में क्या होता है, ए होता है। अब यहां पे देखिए बाबू, जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो क्या होता है, ए होता है। तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, दो गुणा कर रहा है, लेकिन आगे माइनस है तो बाबू आपको लेना पड़ेगा माइनस यहां पे दो। जो एक्स में गुणा करता है बाबू वो बी होता है। एक्स में गुणा क्या कर रहा है, छह गुणा कर रहा है, लेकिन आगे माइनस है तो बाबू माइनस आपको छोड़ना नहीं है, माइनस यहां पे क्या है, छह है। और जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं होता है वो सी का मान होता है, सी का मान कितना है, दो है, तो यहां पे लिख देंगे दो। अब ये फॉर्मूला का बाबू माइनस है तो यहां पे माइनस लिख देंगे। अब बी का मान क्या है, तो बी का भी मान बाबू किसमें, माइनस में है, और यहां भी बाबू माइनस में है। ये फॉर्मूला का माइनस है और ये बी का माइनस है, तो माइनस यहां भी है और माइनस यहां भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस छह हो जाएगा। अब बट्टा के नीचे ए का मान, तो ए का मान कितना है बाबू, माइनस दो है, तो यहां पे बाबू हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, माइनस दो लिखेंगे। अब दो से बाबू छह कितना बार में कट जाएगा, दो तिहाई छह, और यहां पे माइनस है और ऊपर में प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा बाबू मेरे, आपका तीन हो जाएगा, माइनस तीन। और जो भी बच्चे माइनस तीन आंसर कर रहे हैं उनका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक वो एबीसीडी वाला बाबू बना लीजिए, एबीसीडी वाला आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में अब आएगा, ठीक है। जल्दी से यहां पे आपको एबीसीडी वाला आपको बना लेना है, जेड एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे वाई एक्स प्लस यहां पे कितना दे दिए हम आपको, तीन दे दें, और बोले आपसे कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, यानी शून्यकों का योग निकाल दीजिए, तो क्या होगा, सभी बच्चे यहां पे निकाल के बताएंगे, क्योंकि एबीसीडी वाला भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। और यही क्या होता है, बच्चों को तकलीफ देता है, एबीसीडी वाला ही नहीं बन पाता है, तो ये बाबू आपको सीखना पड़ेगा और 100% आपको सीखना पड़ेगा। जल्दी से इसका निकाल के बताइए क्या होगा। एक ही बार में पानी खत्म हो गया जी, पानी ही नहीं था। चलिए और थोड़ा एक बार यार मुस्कुरा दीजिए, आप लोग ऐसे पढ़ते ना अच्छा नहीं लगता है, लगता है हम कोई एलियन पढ़ा रहे हैं, हंसते हंसते आप लोग नहीं है, लगता है एकदम आप लोग पूरा एकदम मन लगा दिए हैं, एकदम अब मन एकदम ऊपर नहीं उठाइएगा, एकदम आप लोग को लगता है एकदम परीक्षे में एकदम बैठ गए हैं। थोड़ा सा मुस्कुराते रहिएगा ना बाबू, तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर ताक लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, ठीक है, और फिर आप लोग मोबाइल पे, नहीं तो एक जगह पे आप देखते देखते आदमी बोर हो जाता है। इधर उधर ताकिए, मोबाइल छोड़िए और इधर उधर ताकिए, मम्मी पापा है सामने बतियाइए, उसके बाद फिर आप लोग क्लास में जुड़िए, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ एक बच्चा ताक रहा है इससे। चलिए ये भी बहुत बढ़िया बात है, केवल मोबाइल से ताकने से बाबू दिक्कत होता है, पढ़ने में समझे में नहीं आएगा, ठीक है, तो बीच बीच में इधर उधर ताक लिया कीजिए, जब टाइम देते हैं आप उसके बाद फिर आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। चलिए अब टाइम खत्म हुआ, फिर हम लोग पढ़ाई पे आते हैं। यहां पे क्या करना है बाबू, आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, अल्फा और प्लस बीटा का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी, और बट्टा में क्या होता है, ए होता है। अब देखिए यहां पे जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो क्या होता है, ए होता है। और
यहाँ पे एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहे हैं बाबू, जेड है, ये दो नहीं है, वो क्या है, जेड है। तो यहाँ पे ए का मान कितना है, जेड है। और जो केवल एक्स में गुणा करता है वो बी का मान होता है, बी का मान कितना है, वाई है। और सी का मान बाबू जिसमें एक्स नहीं होता है, वो सी का मान यहाँ पे तीन है। माइनस है तो माइनस, बी का मान बाबू कितना है, वाई है, तो यहाँ पे लिख देंगे वाई। और ए का मान कितना है बाबू, जेड है, तो यहाँ पे लिख देंगे जेड, माइनस वाई बटा जेड। और यही क्या हो जाएगा आपका, एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाई बटा जेड, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगला बाबू आप लोग यहां पे क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, आठ नंबर, और आपसे ये बन जाएगा कि बहुपद यहां पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस आठ के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। अब इसका क्या करना है बाबू, हम लोग अभी तक शून्यकों का योगफल निकाल रहे थे, अब यहां पे आपको शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का बाबू गुणनफल क्या होता है, तो आपको याद रखना है अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पे सी बटा ए होता है, यही फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल का। अगर अभी तक आपको याद नहीं है तो बाबू मेरे आपको याद कर लेना है। अब यहां पे चलिए बाबू आपको क्या करना है, यहां पे सी का मान रख देना है और वहां पे ए का मान रख देना है, बस आपको इतना ही करना है। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो क्या होता है, ए होता है, इसे आपको याद रखना है। तो एक्स स्क्वायर में यहां पे क्या गुणा कर रहा है, तो ये बेसिक में हम आपको बताए थे कि जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे क्या होता है, एक होता है। तो एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे क्या होता है, एक होता है। तो ए का मान बाबू मेरे कितना निकल गया, एक निकल गया। जो एक्स में गुणा करता है बाबू वो b का मान होता है, तो b का मान कितना है, x में क्या गुणा कर रहा है, 5 गुणा कर रहा है b का मान 5। और c का मान तो जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c का मान, तो c का मान यहां पे 8 है। चलिए यहां पे आप लोग मान रखिए, c का मान सबसे पहले रखना है, तो c का मान कितना है, 8 है, तो यहां पे लिख देंगे 8। और a का मान कितना है, तो a का मान बाबू मेरे आप लोग देख लीजिए 1 है, और 8 बटा 1 का मतलब कितना हुआ, 8 हुआ। 8 आपका क्या हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा आप लोगों से। बहुत इजी है कि नहीं, इजी है कि नहीं, अगर आप लोग इजी तरीका से अगर आप लोग सीखेगा एकदम बेसिक तरीका से, तो एकदम 100% आपको एकदम समझ में आएगा, और आप लोग एकदम 100% बना भी लीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। समझ में आ गया बाबू, माइनस यहां पे क्या होगा, केवल 8 होगा, माइनस 8 जो बच्चे आंसर कर रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन बाबू हमारा भी, आप लोग हमारा भी क्वेश्चन बनाते चलिए, ठीक है, तो हमारा बनाइएगा तो बाबू आपको फायदा होगा। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए, 2x2 माइनस यहां पे कितना दिया है, 9x दिया है, और यहां पे प्लस में यहां पे या माइनस में यहां पे आपका 27 दिया है, और आपको इसका क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। जल्दी से आप लोग एक सेकंड में बता दीजिए, एक सेकंड में इसका क्या होगा शून्यकों का गुणनफल, एक सेकंड में बाबू आप लोग बता दीजिए इसका शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे एक सेकंड में, बहुत ही बढ़िया। माइनस 27/2, आप लोगों के लिए ताली होना चाहिए, इतना दिमाग बाबू चाहिए कि देखते देखते क्वेश्चन गायब। अगर इस तरीका से बनाइएगा तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में गर्दा उड़ा दीजिएगा कि क्वेश्चन देखते देखते क्या हो जाएगा, एकदम गायब हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख के एकदम गायब कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया की बात है। यहाँ पे देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, यानी हमारे क्वेश्चन में कहने का मतलब आप लोग का यही बात है कि हमारे क्वेश्चन में दम नहीं है, दे रहे हैं और आप लोग बोलते बोलते आप लोग उसका आंसर लिख दे रहे हैं, यानी कहने का मतलब यही है कि हमारे क्वेश्चन में दम नहीं है। चलिए बाबू दम है लेकिन आपको बनाने आ गया है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, फटाक से एकदम बना दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बाबू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए होता है। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है, तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, दो गुणा कर रहा है, तो ए का मान यहाँ पे दो। और जो केवल एक्स में गुणा करता है वो बी का मान होता है, तो बी का मान बाबू मेरे कितना है, नौ, गुणा कर रहा है लेकिन आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस आपको छोड़ना नहीं है। सी का मान बाबू कितना है, तो जिसमें एक्स का मान नहीं होता है, जिसमें एक्स नहीं होता है वो सी का मान होता है लेकिन है, लेकिन इसके आगे माइनस है तो बाबू आपको माइनस नहीं छोड़ना है, माइनस आपको लेना है, माइनस 27 हो गया। अब यहां पे देखिए सी का मान कितना है, तो सी का मान माइनस 27 है, तो यहां पे माइनस 27। और ए का मान कितना है बाबू, यहां पे 2 है, तो यहां पे लिख देंगे 2, माइनस 27/2। ये आपका बाबू मेरे एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठोक पीट के एकदम सही आंसर आप लोगों ने बताया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए थोड़ा सा यहां पे, अब देखिए यहां पे क्या दे रहा है, घूम फिर के वही क्वेश्चन आया, आपका दिमाग फ्रेश करेगा कि द्विघात बहुपद
एक्स स्क्वायर अब माइनस तीन का शून्य क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर अब माइनस तीन का आपको शून्य का निकालना है, जितना भी आप लोग शून्य का निकाले ना उससे थोड़ा सा बाबू अलग है, लेकिन ये इजी है आपसे बन जाएगा। कैसे बनेगा आइए हम आपको बताते हैं। शून्य का निकालना है बराबर के इधर जीरो लिखिए, माइनस तीन को बाबू बराबर के उधर भेज दीजिए तो इधर एक्स स्क्वायर है, अब माइनस तीन बाबू बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस तीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को जब हम बराबर के उधर भेजेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इतना तो आपको पता चल गया रूट तीन हो गया, और रूट में जो संख्या होती है ये प्लस माइनस दोनों में होती है। अब हम आपसे बोलेंगे कि रूट तीन का क्या यहां पे वर्गमूल निकलता है, तो आप लोग बोलिएगा, अगर आपको याद होगा तो आप लोग बोलिएगा कि रूट तीन का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो जब नहीं निकलेगा बाबू तो ये गो रूट तीन प्लस में होगा, प्लस एगो रूट तीन एगो माइनस में है तो एगो क्या हो जाएगा बाबू, हम लोग का कोमा जरूर लगाइएगा, एगो माइनस रूट तीन होगा, ठीक है, एगो प्लस रूट तीन एगो माइनस रूट तीन, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। कहां गया जी ये वाला, देखिए आगे माइनस में लिखा है बाद में प्लस में लिखा है, तो इससे आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ऐसे ही क्वेश्चन देता है बाबू रूट वाला आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, और बच्चे क्या करते हैं गलती कर देते हैं, लेकिन आज के बाद बाबू आप लोग गलती नहीं करिएगा, ये हमारा गारंटी है और 100% हम ये कह सकते हैं कि आपको बनाने आ गया है। जैसे ही बाबू ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा आपको क्या देंगे, इसका प्रैक्टिस सेट देंगे, और प्रैक्टिस सेट में एक हफ्ता का टाइम रहेगा उसे आप लोग बना लीजिएगा। फिर आपका क्या होगा बाबू मेरे, आपको याद रखना है, जैसे कल संडे है तो संडे को 12:30 बजे आपको याद रखना है लाइव क्लास आ जाना है, लाइव क्लास में 12:30 बजे में, और 12:30 बजे क्या होगा डाउट क्लास होगा आपको याद रखना है, जिसमें आप लोग अपना वास्तविक संख्या का जितना भी दिए हैं अगर आप लोग नहीं बनाए तो कल दिन भर बैठ के आपको वही बनाना है, ठीक है। अगर ऐसे आप लोग मौजी पढ़ाई करिएगा तो नहीं होगा, ठीक है, आपको बढ़िया से पढ़ाई करना है। उसके बाद आप लोग देखिए जो भी बच्चे यहां पे नॉन हिंदी वाले हैं तो नॉन हिंदी वाले बच्चों का 10 बजे क्लास चलेगा संडे का, क्योंकि जो नॉन हिंदी है वो 8वां का हिंदी है और 8वां का हिंदी हम भी पढ़े हुए हैं तो हम आसानी से उसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ा सकते हैं। तो जो भी बच्चे नॉन हिंदी वाले हैं आप लोग 10 बजे जरूर जुड़िएगा, हम आपको नॉन हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन बाबू मेरे आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है ये आपको बताना है। एक घातीय बहुपद यानी x प्लस यहाँ पे 2, अब इसका बोला जाएगा कि इसका आलेख कैसा होगा। तो एक घातीय जो बाबू बहुपद होता है इसका आलेख कैसा होता है बाबू, सरल रेखा होता है, इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। जिसका एक घात का बहुपद होता है बाबू मेरे, ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड परीक्षा में कि एक घात वाला बहुपद का आरेख कैसा होता है, तो आपको याद रखना है इसका जब निकालेंगे आप लोग जीरो लिखेंगे, इसको प्लस 2 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 2। अब एक्स पे आपको क्या रखना है, ये एक्स है और ये वाई है, इधर माइनस में है तो मान लीजिए यहां पर यह माइनस 2 है, ये माइनस 2 है। अब इसका आलेख आप लोग किसी भी तरीके से खींचे ये क्या होगा एकदम सीधा जाएगा, आपको याद रखना है ये सरल रेखीय होता है, यानी इसको को ऐसे भी पूछ देगा कि रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है या एक घातीय समीकरण का आलेख कैसा होता है, ठीक है। तो रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, तो सरल रेखीय होता है यानी एकदम सीधा रेखा में होता है, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में रखना है, ठीक है, समझ के रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पर बिल्कुल आप लोग ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है, और सभी बच्चे आप लोग 100% बता भी दीजिएगा कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। जल्दी से सभी बच्चे आप लोग कमेंट करके बताइए कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, सभी बच्चे बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया। रैखिक समीकरण का मतलब शून्य कितना होता है, एक होता है, इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो द्विघात बहुपद होता है आप लोग ध्यान से देखिए, द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है 2 होता है, और त्रिघात बहुपद का शून्य कितना होता है 3 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है कि यहाँ पे आप लोग पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है और कौन बहुपद है। 2011 से लेके 2023 तक बाबू मेरे आप लोग क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता है पहचानने के लिए कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, और ये हर एक साल आता है। तो आप लोग जल्दी से इसमें पहचान के बताइए कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें कौन बहुपद नहीं है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि इसमें कौन बाबू बहुपद नहीं है। बहुत ही बढ़िया। देखिए बहुपद अगर आपको पहचानने नहीं आ रहा है तो बाबू हम आपको बताते हैं, ध्यान से आप लोग इसको नोट करिएगा। जिसका x का पावर बाबू माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस दो माइनस तीन माइनस चार या बट्टा में माइनस में, या जिसका x का पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, जैसे चार बट्टा तीन, x का पावर यहाँ पे दो बट्टा तीन, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। एक्स का पावर जो है बाबू, जो एक्स है वो रूट में नहीं होना चाहिए, आपको याद रखना है, और जो एक्स है ये बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। अगर इतना कंडीशन बाबू हो रहा है तो क्या है बहुपद नहीं। अब एक एक करके देख लेना है। यहां पे बाबू क्या है, रूट एक्स है, यहां पे आपको याद रखना है, यहां पे रूट एक्स है, ये बहुपद नहीं है, रूट के अंदर एक्स है। अब यहां पे आप लोग देखिए ये क्या है बाबू, आपको यहाँ पे याद रखना है, x यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, सही है। यहाँ भी क्या है बाबू आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या है बाबू आपको याद रखना है कि यहाँ पे बट्टा के नीचे है, ये भी क्या है यहाँ पे बहुपद नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन में पढ़ा देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है बाबू, यहाँ पे आपको याद रखना है माइनस यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस छूट गया है, आपको यहाँ पे याद रखना है कौन यहाँ पे बहुपद है, आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए यहाँ पे क्या छूट गया है बाबू मेरे, आपका माइनस छूट गया है यहाँ पे, ये देखिए x का पावर किस में है, तो माइनस में, तो x का पावर भी माइनस में नहीं होना चाहिए, ये भी क्या है बाबू बहुपद नहीं है। बहुपद कौन है, तो आपको याद रखना है कि जो ये b वाला ऑप्शन है यही क्या है बाबू मेरे बहुपद है, इसे एकदम आपको 100% समझ लेना है, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं। सभी बच्चे यहाँ पे देख, यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं इसमें, मतलब ज्यादा ये है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। चलिए आप लोग इसी में बता दीजिए कि निम्नांकित में से कौन बहुपद नहीं है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो फटाफट आप लोग बता दीजिएगा कि इसमें से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो जल्दी से एक बार आप लोग बताइए कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग यहां पर आंसर देंगे कि इसमें कौन बहुपद नहीं है, फटाफट। बहुत ही बढ़िया, सी बच्चों लोगों का आंसर आ रहा है, यहाँ पे x सही है, यहाँ भी x सही है, आपको याद रखना है, यहाँ पे x का पावर पांच है, लेकिन यहाँ पे x का पावर बाबू बट्टा में दिया है एक बट्टा दो, एक बट्टा यहाँ पे कितना दिया है दो दिया है, यानी इसका पावर किस में दिया है बट्टा में दिया है, और जब पावर जब बाबू बट्टा में होता है तो ये बहुपद नहीं होता है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। आप लोग इसको बताइएगा, तीन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे रूट दो एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं रूट दो एक्स प्लस यहाँ पे तीन, अगर हम आपसे बोलेंगे कि ये बहुपद है यस या नो में आपको कमेंट करके बताना है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्या ये बहुपद है कि नहीं है, यस या नो में आपको कमेंट करके बताना है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, तो इसमें कौन भाई से बहुपद है नहीं है, क्यों नहीं है बाबू, यहाँ पे x सही है लेकिन यहाँ पे x जो है बाबू वो बट्टा के यानी रूट में चला गया है, तो जब रूट में चला जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा, यानी यहाँ क्या होगा बाबू ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे दे देते हैं इसका पावर दो माइनस तीन, एक्स और यहाँ पे एक्स का पावर माइनस तीन और प्लस यहाँ पे दो, इसका भी यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे यस और यहाँ पे आपको नो दे रहे हैं, दो को ऑप्शन दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ये बहुपद है कि नहीं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया। चलिए इसका भी बच्चे बोल रहे हैं इसका भी, ये भी बहुपद नहीं है, यहाँ पे तो x सही है प्लस में, लेकिन यहाँ पे बाबू x का जो पावर है ये किस में है माइनस में, और जब x का पावर माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा, यानी यहाँ पे नो आप लोगों का क्या हो जाएगा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप लोग बाबू यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, एक दो को और देते हैं, आप लोग सॉल्व करिए, यहाँ पे देते हैं तीन एक्स प्लस यहाँ पे एक बट्टा एक्स और इनटू यहां पे एक्स देते हैं और प्लस यहां पे देखिए इनटू यहां पे एक्स देते हैं और प्लस यहां पे दो देते हैं, और हम आपसे बोलेंगे कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के बताना है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो 100% आप लोग सही क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन के पास आप लोग पहुंच पाइएगा। तो जल्दी से आप लोग इसका बताइए कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे। वाह सभी लोगों का नो नो आ रहा है और कुछ बच्चों का यस आ रहा है, बाबू पढ़ना
जरूरी है, लेकिन उसको समझ के पढ़ना और ज्यादा जरूरी है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बाबू मेरे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ भी एक्स है, गुणा में है, तो एक्स से एक्स तो बाबू कट जाए ना, बट्टा के नीचे वाला तो हट गया, और जब हट गया बाबू यहाँ से तो बट्टा के नीचे हट गया, यही देख के आप बोल रहे थे कि एक्स बट्टा के नीचे, लेकिन बगल में भी तो इंटू एक्स है बाबू, इसको अगर हम एक्स एक्स काट देंगे तो ये तो क्या हो गया हमारा, ऐसे हो गया तीन एक्स प्लस एक प्लस दो, यहाँ पे तीन एक्स एक का एक कितना हो जाएगा, एक का दो कितना हो जाएगा तीन, ये बाबू बहुपद है, तो ऐसे भी बाबू आपको दे देता है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से देख लेना है, पहले सोच समझ के देखना है, क्योंकि जो बोर्ड में जो बाबू क्वेश्चन सेट करता है ना, हर एक क्वेश्चन में बाबू ट्रिक लगाता है, आपको याद रखना है, बिना ट्रिक का नहीं देख मतलब क्वेश्चन सेट करता है, तो जब भी आपसे बोला जाए बनाने के लिए तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से आपको, आप ये नहीं समझ लेना कि वो आसान है, आपको ये देखना है कि मतलब उसमें जरूर कोई बात है, ऐसे शक के निगाह से आपको देखना है कि उसमें जरूर कुछ है क्वेश्चन में, तब आपको क्या करना है, जो जितना आसान दिखेगा ना बाबू उतना वो भारी होता है बोर्ड एग्जाम में, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग माइनस तीन और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे कितना है, दो है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा द्विघात बहुपद है जिसका शून्यकों का योग कितना है, माइनस तीन है, और शून्यकों का गुणनफल बाबू मेरे दो है। तो ये भी क्वेश्चन आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, कैसे बनेगा आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, माइनस तीन दिया है, माइनस तीन लिख देंगे। इसका गुणनफल कितना दिया है बाबू, दो दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है बाबू मेरे, दो दिया है। अब यहाँ पे आपको द्विघात बहुपद आपको इसमें यानी द्विघात बहुपद आपको निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए बाबू एक फॉर्मूला होता है, उसे एकदम आपको 100% याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या होता है माइनस, यहाँ पे प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा होता है, प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि जो अल्फा प्लस बीटा का मान है यहाँ पे आपको रख देना है, और जो अल्फा इंटू बीटा का मान है यहीं पे आपको रख देना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान बाबू मेरे कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान इतना मान बाबू कितना है, माइनस तीन है, लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर एक्स है तो एक्स लगा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आप लोग देखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान बाबू मेरे कितना है, दो है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे दो, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर माइनस आ माइनस क्या हो जाएगा बाबू मेरे, प्लस हो जाएगा, तीन में एक्स से गुणा होगा तो ये तीन एक्स हो जाएगा, अब प्लस यहां पे दो है तो बाबू मेरे दो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस दो, एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस दो, यहां पे ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाइएगा बाबू आपका 100% सही होगा। समझ में आया? अब हम ए को बाबू अपना क्वेश्चन देंगे और आपको 100% बनाना है, जल्दी आप लोग बताइएगा। x प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर चार, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पे माइनस तीन दिया है, तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है। जल्दी से पेन लीजिए और बनाना स्टार्ट करिए, जल्दी से पेन लेना है और आपको बना के यहाँ पे बताना है। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे आप लोग जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग हाथ गोड़ चलाइए बाबू, पैर चलाइए, पानी बैठ के पीना चाहिए। कुणाल गुप्ता बोले थे सर जी, सॉरी कुणाल, थोड़ा सा समझ में नहीं आता है ना प्रेशर में। चलिए आपका बात का पालन किया जाएगा, आपने बताया सही किया, हो जाता है कभी कभी। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं, जल्दी से आप लोग यहां पे आंसर बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे चार एक्स माइनस तीन, माइनस में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब हम यहाँ पे बाबू आपको बताते हैं, दोनों दिया है, बस आपको खाली फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, बस यहाँ पे आपको मान रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बाबू देखिए कितना है, चार है, तो बस यहाँ पे लिख देना है चार, कुछ नहीं करना है, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान बाबू मेरे कितना है, तीन है, तो यहाँ
यहां पे लिख देंगे 3 हो गया। एक्स स्क्वायर यहां पे देखिए माइनस है तो माइनस 4 में एक्स से गुणा होगा तो बाबू मेरे 4x, यहां पे देखिए गुणा करने से पहले चिन्ह में गुणा हो जाएगा तो प्लस या माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहां पे 3 है तो बाबू मेरे 3 हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका एकदम 100% आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, जितना भी बच्चे आप लोग आंसर कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला बाबू आप लोग क्वेश्चन इसमें से पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है, तो फटाफट इसमें से आप लोग देख के बताइए कि कौन इसमें से रैखिक बहुपद है। फटाफट आप लोग बताइएगा किसमें से रैखिक बहुपद कौन है, सभी बच्चे आप लोग यहां पे कमेंट करके बताएंगे फटाफट। रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं, तो जिसमें चर का महत्तम घात 1 होता है। हम आपको बहुत बता दिए, जल्दी से एबीसीडी में आपको कॉमेंट करके बताना है फटाफट। ए बी या सी कौन होगा, सी, बहुत ही बढ़िया। इसमें चर का महत्तम घात कितना बाबू 1 है, तो ये क्या होगा रैखिक बहुपद होगा। पहचानने के लिए इसीलिए बोला जाता है बाबू कि बेसिक क्लास जब हो रहा है ना तो उसे करना जरूरी है। यहां पे चर का महत्तम घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद, यहां भी चर का महत्तम घात 2 है द्विघात बहुपद। अब इसे आप लोग बताइए बहुपद है कि नहीं, यस या नो, यहां पे आपको बताना है यस या नो में आपको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। यहां पे लिखा है 1/x और प्लस यहां पे कितना लिखा है 1 लिखा है, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए कि क्या ये बहुपद है कि नहीं। अब आप लोगों ने यहां पे समझ चुके हैं कि बहुपद कौन होता है कौन नहीं होता है, तो देखिए 1/x से जो x है बाबू वो बट्टा के नीचे है और ये x बट्टा के नीचे से हटेगा भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपको याद रखना है, ये बहुपद नहीं होगा आपको याद रखना है, आपको नो आंसर करना है। लेकिन इसमें आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है बाबू, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है कि द्विघात बहुपद यहां पे दिया है, यहां पे क्या दिया है x, यहां पे x into minus 5x² plus 6 के शून्य ज्ञात करें। अब एक ही बार इतना हार्ड क्वेश्चन आ गया, माइनस में आ गया, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है यहां पे, मतलब इसका थोड़ा सा ये लेवल अप हो गया है, इसको हम क्या करेंगे कल पढ़ेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि हमको आता नहीं है बाबू, आता है, लेकिन एक बार इसको क्या करेंगे, गलती से यहां पे लिखा गया है, ठीक है, इसको पहले होना चाहिए ऐसा, पहले आप लोग ये निकाल लीजिए उसके बाद ये निकालिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए इसी को बताते, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि सर को आता नहीं है और ये भाग रहे हैं क्वेश्चन से, नहीं आता है। आप लोग इसका निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे 3x अब प्लस यहां पे बाबू मेरे हम लिखते हैं प्लस यहां पे हम लिख देते हैं यहां पे हम लिख देते हैं आपका 5। चलिए अब इसका क्या निकालना है बाबू, आपको यहां पे देखिए 5 लिख दिए हैं और यहां पे केवल एक सेकंड, थोड़ा सा सेट करने में दिक्कत होगा, अगर हम यहां पे 6 लिखेंगे तो यहां पे हाँ 5 होगा। चलिए जल्दी से इसका आप लोग सुनिए निकाले, क्योंकि हल्का से ना बाबू हल्का हल्का पड़ गए तब भारी पे चढ़ा जाता है, आ गई ये भारी दे दिया है तो पहले ही लगेगा आपको कि बाप रे कितना भारी क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारी क्वेश्चन नहीं है, आगे पहले हल्का क्वेश्चन पढ़ लीजिए उसके बाद आपको भारी क्वेश्चन पढ़ना है। इसके बाद कल बाबू आपका पार्ट 2 भी क्लास होगा, पार्ट 2 क्लास भी आप लोग जरूर करिएगा ना, यस या नो लिखिए आप लोग। इसके बाद जस्ट आपका पार्ट 2 भी क्लास होगा, आपको पार्ट 2 क्लास भी करना है। ठीक है, बच्चा बोल रहा है नो, अच्छा उस क्वेश्चन का आंसर था, चलिए आप पीछे हैं, यस बहुत ही बढ़िया रजत कुमार जी, ठीक है, रजत कुमार को आप लोगों ने ब्लॉक कर दिया था जी, कितना मतलब अजीब बात है, बेचारा फोन करके बोला सर ब्लॉक कर दिए हम लोग, ब्लॉक आप लोग मत करिए रजत भाई को, नाम भी याद हो गया रजत भाई का। चलिए इसका आप लोग देखिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट इनटू लास्ट बाबू इसका गुणा कराना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे 6, हम क्या करेंगे यहां पे कुछ भी नहीं, यानी 1 है, 1 से 6 में गुणा कराएंगे, 6 यानी गुणा करने से कोई फायदा नहीं। अब इसका तोड़ना है 2 × 3 = 6, अब आपको बीच में क्या लाना है बाबू, प्लस में यहां पे 5x लाना है। ठीक है, तो यहां पे 2x प्लस यहां पे सॉरी आगे सबसे पहले आपको 2 × 3 है ना, तो यहां पे आपको 3 लिखना है, यहां पे पहले आपको बड़का लिखना है उसके बाद आपको छोटका लिखना है। तो अब यहां पे देखिए बाबू 3 है और यहां पे 2 है, आपको बीच वाला लाना पड़ता है यहां पे प्लस 5, अगर सेट हो गया तो आंसर निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे, 3x क्या करेंगे अब प्लस 2x, दोनों को जोड़ देंगे तो 3x और 2x
मिल के कितना हो जाएगा, तीन गुआ दू गो बाबू, पांच गो एक्स हो जाएगा, पांच गो एक्स हो जाएगा। अब आपको बनाना नहीं है, यहीं से आप लोगों का आंसर निकल चुका है। ये क्या है बाबू, प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, यहां पे माइनस तीन और माइनस दो, यही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। बस आपको मतलब इसका पूरा आपको शून्य के निकालने के लिए पूरा मतलब मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप लोग यहां तक पहुंचे, सेट किए कि आप लोगों का क्या हो जाता है, आंसर निकल जाता है, वही आप लोगों का क्या होता है, आंसर होता है। आपको यहां पर याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं बाबू, इसको थोड़ा सा इसको क्या करते हैं यार, कितना मतलब हार्ड क्वेश्चन पहले दे दिया। यहां पे x स्क्वायर आप लोग देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको x स्क्वायर को माइनस पांच x स्क्वायर पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या है बाबू, यहां पे कुछ भी नहीं है तो ये प्लस x है, और यहां पे कितना है बाबू मेरे, आपको याद रखना है छह है तो यहां पे लिख देंगे छह। अब आपको क्या करना पड़ेगा बाबू मेरे, आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या होता है। अब इसको हम गुणा करेंगे, छह पांचे कितना हो जाएगा, तीस हो जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बना देते हैं, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा हम लोगों का। अब देखिए कटाते हैं इसको, क्या होगा, किससे कटेगा, दो से, ये कितना बार में कटेगा, पंद्रह बार में, और तीन पांचे कितना हो जाएगा, पंद्रह हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बाबू क्या करेंगे, तीन दुनी क्या कर देंगे, छह कर देंगे, और यहाँ पे देखिए ये मतलब छोटका छोटका दोनों में गुणा करेंगे, तीन दुनी छह, और यहाँ पे ये हो गया पांच। दो गो संख्या आपको बनाना है, दो गो संख्या यहाँ पे बन गया छह, और यहां पे पांच बन गया हम लोगों का। अब यहां पे बाबू मेरे आपको देखना है कि लाना क्या है बाबू मेरे, तो यहां पे लाना है हम लोगों को a गो x लाना है। क्या करना है, a गो x लाना है। तो आपको क्या करना है कि 6 गो x में से आपको क्या करना है, पांच गो एक्स घटा देना है, छह में से पांच घटेगा अपना कितना होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोगों का सेट हो चुका है, तो छह है प्लस में तो ये माइनस में होगा, और ये माइनस में है तो बाबू ये क्या होगा, प्लस में होगा, यानी प्लस छह और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस छह और प्लस पांच आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमको देख ही के लगा था कि मतलब ये गलत है, और ऐसे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आते भी नहीं है। एक वो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, इसका इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि शून्य क्या होगा, सभी बच्चे एक वो इसका बता दीजिए, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा चैप्टर। अब इसके बाद पार्ट टू कल हम लोग पढ़ लेंगे, और उसमें क्या हो जाएगा, ये एकदम 100% खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्या होगा, सर पीडीएफ डाल दीजिएगा बाबू, पैड ग्रुप में जुड़िए तब पीडीएफ मिलेगा। एक बच्चा गुस्सा कर रहा था हमसे कि सर पैड ग्रुप में जुड़ने का फायदा क्या है, कि जब आप फ्री में दे दे रहे हैं। तो बाबू आप लोग को बाबू क्या करना है, 299 रुपया लग रहा है और 15 से 20 नंबर आपका बढ़ रहा है। एक नंबर से बाबू फर्स्ट और सेकंड हो जाता है, एक नंबर से टॉपर के स्थान से दूसरा नंबर पे चले जाते हैं। तो बाबू आप लोग मत देखिए 299 कहाँ आएगा कहाँ जाएगा, 299 रुपये का आप लोग क्या खा जाते हैं, फुचका खा जाते हैं, दोस्त यारी में पार्टी कर जाते हैं, 100 रुपये का एक स्प्राइट मंगा के मिल के सब लोग पी जाते हैं। लेकिन अगर पढ़ाई में बोलिए तो पढ़ाई में खर्चा नहीं होता है, बाकी सब में खर्चा हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, आप लोगों का यहाँ पे आंसर क्या निकला है बाबू, माइनस एक माइनस दो। चलिए अब यहाँ पे क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर है और प्लस, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, एक्स स्क्वायर है और प्लस यहाँ पे कितना है, तीन एक्स, और प्लस यहाँ पे दो है। अब आप लोगों को ध्यान से देखना है, अब एक्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक है, एक में दो से गुणा कराएंगे दो होगा। अब इसको काटिए, अब ये नहीं कि दो आ रहा है तो दो, आपको क्या करना है ऐसे करना है, देखिए दो एक कम दो, आपको लाना कितना है बाबू, तीन लाना है ना, तो यहाँ पे एगो संख्या दो है, एगो एक है, एगो एक हो एक्स है और एगो इसको भी एक्स बनाएंगे, ठीक है। दो गो एक्स आए गो एक्स मिलके बाबू कितना हो जाएगा, तीन एक्स हो जाएगा, प्लस में आ गया प्लस तीन एक्स में। तो अब इसका हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर बाबू मेरे निकल जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में, ये भी प्लस में है तो क्या होगा, माइनस में, माइनस में होगा, माइनस एक होगा, ठीक है, माइनस एक, यानी ये क्या होगा, माइनस एक, अब माइनस दो, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, आधा क्वेश्चन बाबू हम कल करवा देंगे, क्योंकि बोलते बोलते और आप लोगों को पढ़ते पढ़ते यहाँ पे थक चुके होंगे, और सुबह में बाबू आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए बाबू आप लोग जरूर उठिए सुबह 6 बजे, ठीक है, और कम से कम आप लोग 15 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली पढ़िए, तब फाइनल बोर्ड परीक्षा में बाबू हम लोगों का जो सपना है वो पूरा होगा। और आप लोग क्या करिए बाबू, पैड ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़िए, पैड ग्रुप हम यहाँ पे आपको बता देते हैं क्या है, कितना मतलब है, और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा पैड ग्रुप क्या है, ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिएगा, पैड ग्रुप में आपको 299 में अगर आप लोग जुड़िएगा तो चैप्टर वाइज शुरू से आपको सबका ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, चैप्टर वाइज आपको सबका सब्जेक्टिव दिया जाएगा,
एग्जाम आने पर आपको गेस क्वेश्चन भी दिया जाएगा, आपको याद रखना है। 2 महीना पहले गेस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इसे आपको याद रखना है, जो 100% लड़ता है, इसी सब क्वेश्चन में से गेस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपको जितना भी ये पैनल पे पढ़ाई हो रहा है इसका PDF आपको दिया जाता है, आपको पता है, आपको पैड ग्रुप में जोड़ा जाता है, अगर आपको कोई परेशानी होता है तो आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे बुक का, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, आपका डाउट क्लास होगा डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। ये सभी बाबू फैसिलिटी यहां पे मिलता है मात्र 299 में, और आपको मेरा नंबर पे ही पेमेंट करना है। बस यहां पे चोर लोग बहुत ग्रुप में घूम रहे हैं कि 2700 रुपया में PDF ले लो, 100 रुपया में ले लो, चाहे हमारा ही फोटो लगा के बोलेगा कि हम, तो बाबू पैड करने से पहले हमसे जरूर बात करो, और ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं पे भी बात करिएगा तो इसके जिम्मेदार आप होइएगा, जान लीजिए। ये 8797927700, ठीक है बाबू। फ्री में पढ़ाने से ना बाबू कुछ नहीं होता है, तो हम लोग को भी घर परिवार है, बाल बच्चा तो अभी नहीं है, घर परिवार है, तो घर परिवार को चलाने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए ना, तो इसीलिए बाबू थोड़ा सा PDF अगर आप लोग खरीद लीजिएगा, पैड ग्रुप में जुड़ लीजिएगा, तो आपको तो फायदा होगा ही, साथ में हमारा भी क्या हो जाएगा बाबू, कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो जरूर फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा पैड ग्रुप में, और पैड ग्रुप जुड़ने से आपको फायदा ही फायदा है, और आपका नंबर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कैसा लगा क्लास एक बार आप लोग जरूर बता दीजिए। सर आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, सुजीत हिस्ट्री ब्लॉग, कन्हैया झा भाई बहुत बड़े क्यों रो रहे हैं कन्हैया झा। अंकित कुमार सर आप जिम जाते हैं क्या। जी बिल्कुल जिम जाते हैं, लगता नहीं है, एक दिन जिम वाला फोटो ये मतलब डालेंगे, ठीक है ठीक है, एक दिन जिम वाला फोटो डालेंगे, आप लोग देखिएगा। सर जी आप बोलते हैं हम लोग को हंसाते नहीं है, हंसा दांत निकालने के लिए, बहुत अच्छा लगा सर, ठीक है। क्या है जी, सर जी कल से नॉन हिंदी होगा। हाँ बाबू, जो भी बच्चा नॉन हिंदी पढ़ेगा, सुबह 10 बजे आपका स्टार्ट किया जा रहा है, तो नॉन हिंदी वाले बच्चे जरूर जुड़ेंगे। अच्छा लगा पढ़ के, सही था, बहुत ही बढ़िया। मनीष कुमार ऑफिशियल MD आजाद डिजिटल, यस सर बहुत अच्छा लगा पढ़ के, आंसू सर पढ़ा रहे और समझ में ना आए। ये भी बच्चा बहुत बोलता है कि सर आप पढ़ाएं और समझ में ना आए, लगता है कुछ है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। और जो भी बच्चा बाबू पढ़ के टॉपर निकलेगा 100%, मतलब जो भी 400 से ऊपर नंबर लाएगा 100% हम आपके गांव में आएंगे, और आपसे बातें किया जाएगा मीठा मीठा, आपको पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है। और आपको क्या किया जाएगा, आपके साथ इंटरव्यू लिया जाएगा, अगले साल के बच्चों के लिए आप उदाहरण बनेंगे कि और सभी बच्चे कैसे तैयारी करें, आपने कैसे तैयारी किया, कहाँ से तैयारी किया, क्या क्या पढ़े, ये सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए रेडी रहिए, और आपका नंबर आएगा बहुत हार्ड, ये हमारा गारंटी है। और इस बहाने हमको पूरा बिहार भी घूमने का मिलेगा, क्योंकि पूरा एक साल एक टाइम क्लास नहीं होता है, तो आप लोग बोलते हैं सर क्यों क्लास नहीं हुआ, क्यों क्लास नहीं हुआ, बाबू घर भी तो है ना, घर भी देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए मार्केट में गए, तो सुबह गए 9 बजे, मार्केट में आए 12 बजे, तो क्वेश्चन कहां से लिखेंगे कि 1 बजे पढ़ाई होगा, ये भी तो देखना होता है ना बाबू हम लोगों को, तो ये सब होते रहता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आज सर आप पढ़ाते हैं तो मजा आता है, थैंक यू जी। तो आप लोग कल जुड़िए, और सुबह भी आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। अरमान भाई बहुत ही बढ़िया जी, चलिए। जहांगीर भाई बहुत बढ़िया, नरेंद्र कुशवाहा भाई बहुत ही बढ़िया, साहिल आर्यन अंसारी, मुस्कान कुमारी, आंसू सर इज ग्रेट। लेकिन ग्रेट कब होंगे, जब आप लोग पढ़ के बाबू ग्रेट हमको बनाइएगा तब, ठीक है। पढ़ के जब बोलिएगा कि हम आंसू सर से पढ़ के फाइनल बोर्ड परीक्षा में इतना नंबर लाए हैं, तब हमको लगेगा कि हाँ हम ग्रेट हैं, अभी हम ग्रेट नहीं हैं, आपको बनाना पड़ेगा हमको। आप लोग पढ़िए मन लगा के, ग्रेट बनाइए बाबू, ठीक है, बनाइएगा ना बाबू,
एकदम आएंगे। अमृता शर्मा जी, आप बिहार के किसी भी कोना में रहिए, 100% जो भी बच्चा रहेगा एक एक जिला में आएंगे बाबू और पूरा घूमेंगे, भले पैसा हमारा क्या है ना कितना हजार भी रुपया लग जाए, आएंगे 100% हम। और टी शर्ट छपवा लेंगे, मतलब 300-400 टी शर्ट, और हर एक बच्चा को टी शर्ट पहनाया जाएगा। सर क्या क्या दीजिएगा 400 नंबर, आप बताइए ना कि पढ़ रहे हैं तो आप क्या दिए हैं हमको, आप तो कुछ नहीं ना दिए अभी तक, पढ़ रहे हैं तो मतलब एक बात फ्री में पढ़ रहे हैं, जो बच्चा नोट्स ले रहा है वही तो पैसा हमको मिल रहा है ना, और आप क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। लेकिन अपने तरफ से बाबू आपको कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा, आपको इतना है अगर हम आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो तो देना चाहिए आपको कि खुशी है मेरा। मतलब एक बात बताइए, अब कोई बच्चा सोचा नहीं है कि मेरा 400 से ऊपर नंबर आ जाए, और उसका नंबर आ जाएगा, उल्टा में किसको देना चाहिए, उसको गुरु दक्षिणा और बढ़ा के देना चाहिए था, ठीक है। तो आप लोग ये भी नहीं करिएगा, उल्टा एक तो फ्री में पढ़ाइए और उल्टा जब आएंगे तो आप लोग उल्टा हमसे लीजिएगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो देते हैं गुरु जी वो बहुत बड़ा चीज होता है, ठीक है। रुपेश पांडे सर नाम नहीं लेते हैं, लक्ष्मी गुप्ता ड्रीम 480, क्या है रो रही हो लक्ष्मी। अंजलि कुमारी बहुत ही बढ़िया, चलिए। कुणाल रानी भाई बहुत ही बढ़िया, पेड ग्रुप में हैं हम जी, बिल्कुल आप हैं साजिद जी। अंकित कुमार अपना समशेर आलम जी बहुत ही बढ़िया, राजकुमार महिमा बत्स बहुत ही बढ़िया, आस बोर्ड की दीवानी, वाह क्या बात है। राज रंजीत कुशवाहा भाई बहुत बढ़िया, तुषार कुमार आपका पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू जी। दीपक कुमार हेलो सर मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, बाबू कितना मैसेज पढ़े हमको भी समझ में, मेरे से गुरुदक्षिणा क्या चाहिए सर जी। महिमा आ नहीं पाए, नहीं तो लेते जरूर गुरु दक्षिणा, लेकिन इस बार जितना भी बच्चा निकलेगा बाबू, अब ये मत करिएगा पढ़ा रहे हैं हम, अब पैसा के लालच में बोल दीजिएगा कहीं और कि कहीं और पढ़ते हैं, तो ये आपको काम नहीं करना है बाबू। जो इंसान आपसे बिल्कुल मेहनत से पढ़ा रहा है, तो अब अगर आप लोग पास हो रहे ना तो उसी का नाम लीजिए, अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो हमसे हमारा नाम लीजिए, अगर आप दूसरा से पढ़ते हैं तो दूसरा का आप लोग नाम जरूर लीजिए, ठीक है। और आप लोग लाने का बाबू कोशिश करिएगा, अब ये नहीं कि 400 आप लोग नंबर लाइएगा, ठीक है, 400 नहीं, 400 से आपको ज्यादा नंबर लाने का बाबू सोचना है, 80-400 पहले उन्हीं के पास जाएंगे जिनका अच्छा नंबर आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छा से अच्छा नंबर लाना है और हमारे साथ बाबू बैठ के इंटरव्यू देना, और चैनल यूट्यूब पे बाबू चलेगा, लाखों पे व्यू आएगा, बिहार के बच्चे जानेंगे और आपसे कुछ सीखेंगे कि कैसे ये बच्चा पढ़ा है, ठीक है। और जो बच्चा हमको डेली मोबाइल में देखता है सामने देखेगा एक दिन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। थैंक यू, मिलते हैं बाबू हम आपसे सुबह में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमको रेडी करना है, तभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको सुबह पढ़ा पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। PDF आपको दिया जाएगा अभी बायोलॉजी का, और बायोलॉजी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा आपके पैड ग्रुप में, उसे आपको प्रिंट करवा के बाबू मेरे याद कर लेना है, ठीक है। और हम आपको तो पढ़ा ही रहे हैं और हम आपको पढ़ाएंगे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।